अफसरों ने काफ़ी सालों की जहमत के बाद, काफ़ी तहकीकात के बाद जो अपनी रिपोर्ट रखी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें भी प्रस्तावित हुआ था कि गुजरात कांड के तूफानों में नरेंद्र भाई की या उनकी सरकार की कोई गलत कामगिरी नहीं थी या कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया था जिसके कारण उनके सामने आक्षेप कर सके। लेकिन गलत प्रचार करने वाले कई समय से ये दुष्प्रचार कर रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एसआईटी ने भी क्लोजर रिपोर्ट दी थी और एसआईटी ने भी स्वीकृत किया था कि नरेंद्र भाई की इस तूफानों में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी या फर्ज थी वो पूरे तौर पर निभाई थी और गुजरात में कायदा कानून और शांति की व्यवस्था के लिए उन्होंने काफ़ी जहमत लेके स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे। और एसआईटी ने जो एक क्लोजर रिपोर्ट लिखी और कोर्ट के सामने रखी, उसके बाद भी जो अपने आप को भिन्न संप्रदाय कहलाते ऐसे लोगों ने फिर से ये प्रश्न को खड़ा करके अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में रिट दाखिल की थी और इस रिट का भी आज चुकादा आ गया है। हमारे गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने भी ये चुकादा दिया है कि एसआईटी का रिपोर्ट वो मान्य रखते हैं और जाकिया जाफरी जी की जो अपील थी वो उन्होंने खारिज कर दिए और एसआईटी के रिपोर्ट को उन्होंने भी मान्य किया है। ये हमारे सबके लिए आनंद और खुशी की बात है।